कैसे हैं? मैं हूँ शोभा। शोभा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मकर संक्रांति आने वाली है, कहीं पे पोंगल बनेंगे, कहीं पे बिहू बनती है, तो हमारे यहाँ तो बिहू बनती है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिहू की पारंपरिक पटचप्पा पीठा और नारियल का लड्डू, जो ट्रेडिशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और इस कप के अनुसार आप कोई भी मेजरमेंट ले लीजिएगा। मैं इस कप से ले रही हूँ, इस कप से मैं 1.5 कप चावल का आटा, इसको हम बाउल में डाल देंगे। और 1/2 कप से थोड़ा हम मैदा लेंगे। तो 3 चम्मच जितने हम पिसी हुई चीनी लेंगे। आप चाहो तो कम बेसी कर सकते हो इसमें मीठा। 3 जितना हम नमक लेंगे, थोड़ा सा इस कोई भी मीठे चीज में थोड़ा सा नमक डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है और मीठा को बैलेंस करता है। अब इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने 2 कप जितना दूध लिए हैं, इसमें धीरे धीरे डाल के हम इसका एक बैटर रेडी करेंगे। हमने स्मूथ सा स्लरी रेडी कर लिया हमने इसको। अब इसको हमें 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, तब तक हम लड्डू की तैयारी करते हैं। 3 नारियल ले लिए थे हमने, उसे ग्रेट कर लिया और इस कटोरे से हमने मेजरमेंट कर लिया। इस कटोरे से 2 कटोरा हमारा नारियल है, और हमने 1 कटोरे जितना चीनी भी लिया। अब इसे हम एक कढ़ाई लेंगे। हमने कढ़ाई ले लिया। फ्रेंड, मैंने कढ़ाई बड़ी ली है क्योंकि इसमें हम सब्जी वब्जी नहीं बनाते हैं, जिससे इसमें कलर नहीं छोड़ेगा। तो कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं ना, उसमें हल्दी का कलर चढ़ जाता है, इसीलिए मैंने कढ़ाई में हमने नारियल डाल दिए। अब इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। आप चीनी को भी अपने अनुसार स्वाद अनुसार कर सकते हैं इसको, लेकिन चीनी का एक मेजरमेंट है, नहीं तो फिर लड्डू बनेंगे भी नहीं हमारे। इसीलिए मैंने अगर 2 भाग का 1 भाग हमारा चीनी होना चाहिए। बहुत लोग बराबर जैसे जितना भी लेते हैं, लेकिन मैं जितना उतना नहीं ली हूँ। मैं 2 भाग का 1 भाग, 2 कटोरी हमारा नारियल है, 2 कटोरा तो 1 कटोरा हमारा चीनी है। अब इसे हम धीरे धीरे सेक लेंगे चीनी एक घंटे तक। हमारा ये चीनी पक गया, चीनी और नारियल पक गया। हम दिखा देंगे थोड़ा सा ये ठंडा होने के बाद, जिससे हमारा लड्डू, ये देखिए, तो ये ठंडा हो जाएगा जब तक हमारा बन जाएगा। इसे हम गैस पकड़ देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने तवा ले लिया। अब हम इसमें पीठा बनाएंगे, जो हमने एक बैटर रेडी किया था ना, उससे हम अब पार्टी सप्टा पीठा, पैनकेक बोल लीजिए, ये आसामी बंगालियों का ट्रेडिशनल मतलब फूड है ये। तो आप चाहे तो चमचा से कर सकते हैं, मैं कटोरी से कर रही हूँ, जो भी झीली बन जाती है पैनकेक। नारियल चीनी डाल के अच्छे से सेक लिया था, इसीलिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है। तो इसको अब इसमें हम बैटर फिलिंग बना लिया इसे। अब इसमें हम डालेंगे, इसको रोल बनाएंगे इस तरह से, पैनकेक की तरह। देखिए इजीली बन जा रहा है, देखिए कितना बढ़िया से बन गया। अब एक मैं और बना के दिखा देती हूँ आपको। थोड़ा सा पानी डाला, फिर हम बैटर डालेंगे।
चाहे तो थोड़ा सा घी डाल सकते हो, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये हमने फिलिंग्स डाल लिए। इसको अब हम रोल बना लेंगे। इसी तरह के हम सारे पैनकेक को बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ठंडा हो गया। अब ये आराम से लड्डू बन जाएंगे। बहुत ही इजी है। सोचते हम नारियल के लड्डू बनाने के लिए कितना हार्ड हो। ये देखिए, आराम से बन जाएंगे। आप अपने साइज के अनुसार अपने अनुसार बना लीजिएगा। मैं बना के और दिखा देती हूँ चार पांच। ये देखिए, बहुत ही इजीली बन जा रहा है हमारा लड्डू। ट्रेडिशनल तरीके से बनाए, इसमें कुछ भी नहीं डलता है। वैसे आजकल लोग बाग मेवा वगैरह डालते हैं, लेकिन मैंने एकदम जो ओरिजिनल टाइप का है वो ही बनाई। ये देखिए कितने इजीली बन जा रहे हमारे लड्डू। फ्रेंड, हमारी ये पैनकेक पाटी सप्टा पीठा हमारी रेडी हो गए हैं। लड्डू भी हमारे रेडी हो गए। ये देखिए, तो आइए हम इसके प्लेटिंग करते हैं और फोटो लेते हैं इसकी। ये है आसाम की संस्कृति, जो दिखने में बहुत खूबसूरत और खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी तो है ही। फ्रेंड, मेरी ये वीडियो अगर आपको रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एकदम फ्री है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।